ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। ई पास के लिए CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मुरैना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने बताया कि वर्तमान में मुरैना जिले से बाहर अन्य जिलों में जाने एवं अन्य जिलों से मुरैना जिले में आने हेतु ऑफलाइन पास तथा ऑनलाइन ई पास जारी किए जा रहे हैं, किंतु जिले के चेकिंग पॉइंट पर ऑफलाइन पास की जाँच किए जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए ऑफलाइन पास जारी किए जाने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है तथा शासन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विशेष परिस्थितियों में कारणों से अन्य जिलों में यात्रा हेतु केवल ई पास ही जारी किए जाएंगे। ई पास आवेदनकर्ता द्वारा पास हेतु तथ्य छुपाकर गलत जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने ग्रामीणों से कहा कि किराने की दुकान वाले थोक सामान क्रय कर ग्रामीणों में विक्रय के लिए ई पास पहले बनवाए गए थे, वही पास अभी भी वैध रहेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुरैना से जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ई पास को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ई पास के अंदर तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और लोग बाग यूज भी कर रहे हैं। पहला मेडिकल इमरजेंसी, जिसको जो है दिया जा रहा है। दूसरा कैटेगरी रहता है पर्सनल इमरजेंसी और तीसरा कैटेगरी रहता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में तो किसी प्रकार का कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वो मालवाहक वाहन है, चाहे वो सप्लायर अप्लाई करता है या गोडाउन वाला वेयरहाउस वाला अप्लाई करता है या मैन्युफैक्चरर अप्लाई करता है। एक और लिस्ट हमने साथ साथ जारी किया है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, वो है हॉटस्पॉट स्टेट्स के हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स का क्लासिफिकेशन, जो रेड ऑरेंज और ग्रीन में है। तो हम लोगों ने अभी ये निर्णय लिया है कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा जो लाल क्षेत्र है वहाँ से हम किसी प्रकार का पर्सनल इमरजेंसी अलाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, लाल वाले क्षेत्र में अगर कोई फंसा हुआ है और कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, केवल मात्र उसको वापस लाने के लिए पास अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा सभी से अपील है कि अभी फ़िलहाल उस पास के लिए आप अप्लाई ना करें। आप अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो जेन्युइन मेडिकल इमरजेंसी के केसेस हैं या मेडिकल रिलेटेड दवाई लाना है या हमको चेकअप कराना है, हमको पैथोलॉजी जाना है, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना है, वो सारे पासेस इररेस्पेक्टिव ऑफ रेड ऑरेंज ग्रीन वो जारी किए जाएंगे। अधिकतम 48 घंटे में जारी किए जाएंगे और मिनिमम टाइम जो है उसका 12 to 24 आवर्स में जारी करेंगे। रहा सवाल अगर किसी को अप्लाई करने में परेशानी आ रही है, इसके लिए CSC को फैसिलिटेट करने के लिए बताया गया है। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र में जाके वो आसानी से जो है उनके माध्यम से ई पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। मुरैना किस जोन में रखा गया है मैम अभी तक? मुरैना भारत सरकार के द्वारा ऑरेंज जोन में रखा गया है, लेकिन अभी जिस हिसाब से 2-3 केसेस आए हैं, इसी रेट पे अगर केसेस आए तो भारत सरकार प्रति 7 दिन में अपना क्लासिफिकेशन चेंज करती है। ये डायनामिक लिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जिला ग्रीन है तो हमेशा ग्रीन रहेगा और रेड है तो हमेशा रेड रहेगा। 7 दिन के बाद बाद ये अपडेट होगा, तो उस अपडेशन के हिसाब से हम लोग भी अपने पास सिस्टम अपडेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर कोई जिला रेड है और उसमें किसी ने अप्लाई किया हुआ है, तो वो लिस्ट बाद में अगर वो दोबारा अप्लाई करेगा तब तक ग्रीन हो जाएगा, तो उसको अनुमति मिलेगी।